नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई यूएई से, दुबई से रिलेटेड। आज विजिट वीजा के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग जा रहे हैं सब विजिट टू वर्क ही जा रहे हैं। चाहे आप घूमने के लिए जा रहे हैं विजिट के लिए, या आप वीजा जॉब के लिए जा रहे हैं तो विजिट में जा रहे हैं। जी हाँ, ये इसलिए वीडियो बनाना जरूरी है क्योंकि आजकल इंडिया के लोग विजिट में जाके दुबई में फंस रहे हैं। अब कैसे फंसते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, इससे बचने का उपाय भी बताएंगे, क्यों फंसते हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब डिटेल से हम बात करेंगे। कुछ लोगों का मसला हुआ है, लगभग 17 लोग हैं जो दुबई में अपने आप को बोलते हैं कि हम फंसे हुए हैं, हमें इंडिया बुला लो। अब वो किस तरह से फंसे, क्या उनमें बीती, वो भी हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या कि बता दूं, यूपी और बिहार के लगभग 17 लोग हैं जो दुबई में अपने आप को फंसे हुए बता रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली से शारजा, दिल्ली से यहाँ से विजिट में चले गए दिल्ली, दिल्ली से चले गए शारजा। जी हाँ, शारजा आपको पता है भाई, अबू धाबी शारजा, वहाँ पे 15 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ता है। 15 दिन इनको क्वारंटाइन कर दिया गया, उनके बाद में 2 महीने तक इनको कोई जॉब नहीं मिला। ठीक है, फिर ये वहां से जॉब नहीं मिला 2 महीने, तो एजेंट के द्वारा ये अबू धाबी आ गए। अब आबू धाबी में भी इनको 1 महीने काम किया, इन्होंने 1 महीने काम किया तो कुछ पैसे मिले तो वो थोड़ा बहुत उनको सर्वाइव करने में वो खर्चा हो गया। अब फिर उनके पास काम नहीं है, अब एजेंट के रूम में पड़े हैं वो लोग। आपको पता है एजेंट के रूम में पड़े हैं, वो वापस आना चाहते हैं लेकिन वापस नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है वापस आने के लिए। ये कितनी बड़ी बात है भाई, ये फंडा कैसे हुआ बता दूं। यहां से विजिट वीजा में 3 महीने में एजेंट ने भेज दिया, 3 महीने का वीजा था, 15 दिन क्वारंटाइन रख लिया, 2 महीने इनको कोई जॉब नहीं मिला, 2.5 महीने हो गए। फिर उन्होंने 1 महीने काम किया, 1 महीने बाद काम खत्म हो गया क्योंकि विजिट में आपको पता है अगले ने जितनी जरूरत थी, कोई भी ठेकेदार था, कोई भी कहीं पर भी ये लग गए, इनका वीजा एक्सपायर हो गया, अगला वीजा क्यों लगाए। लोग वीजा ऐसे नहीं लगाते भाई दुबई में, उनको पता है एक वीजा का 5,000 दराम खर्चा, 6,000 दराम तक खर्चा जाता है, कन्वर्टेड चार्ज भी अलग से लगता है इनका, 1,000 रुपए तो वो एक्स्ट्रा हो गए इनके। तो ठीक है, 5,000 दराम इस ऐसे कोई खर्चा नहीं करता है, वो सब कुछ देखना होता है उनको। अब अगले को जितनी जरूरत थी उसने रख लिया, उसके बाद इनको वापस निकाल दिया। अब ये एजेंट के कोई रूम रेंट पे रखा होगा, वहां पे एजेंट के रूम पे ठिकाने पे पड़े, अब वापस घर आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते। तो भाई ऐसा विजिट में जाने वाले खास तौर से लोगों को ध्यान रखने की बातें हैं, खास तौर से ध्यान रखें कि आप हमेशा मैन पावर ऑफिस एजेंट के द्वारा जाइए। भाई मैं तो बार बार बोलता हूँ आपको, मैन पावर के द्वारा, ऑफिस के द्वारा जाने का फायदा ये होगा कि उनका लिंक सीधा कॉन्टेक्ट कंपनियों से होता है, वो सीधा कंपनी में भेजते हैं तो कंपनी वीजा लगाती है उनका, समझ गए बात को। कल को वीजा नहीं लगे, तनख्वाह नहीं मिले, काम नहीं मिले तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके घर वाले जाके उनके ऑफिस में बैठ जाते हैं। लेकिन आप वो एजेंट ढूंढते हैं जो गलियों में मिलते हैं, आज इस चाय की दुकान में मिलेगा, कल वो उस थड़ी में मिलेगा, परसों बस स्टैंड में मिलेगा। ऐसे लोगों के भाई चक्कर में आओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है और इसी वजह से ये लोग जाके आप फंस जाते हो, क्योंकि उनका कोई ठोर ठिकाना नहीं होता, वो सिर्फ भेजने की होते हैं, वो वहां पे उनका कुछ चलती नहीं है, उनकी उनके हाथ में पावर नहीं है। यहाँ से एजेंट है उनका, वहां को एजेंट कॉन्टेक्ट है, यहाँ से आपसे पैसे लिए 1,00,000 रुपए, 70,000, 80,000, उसमें से अपना कमीशन रखा, अगले को पैसे दे दिए, अगला ने अपने रूम पे रखा, फिर आगे सप्लाई में दे दिए, इस तरह से आपको दिक्कत होती है, फिर वीजा नहीं लगता है। वो फिर एजेंट दुबई वाले को आप ज्यादा बोल नहीं सकते, यहाँ वाला ऊंचे हाथ खड़े कर देता है, तो इस तरह से दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा मैन पावर के द्वारा जाइए ताकि आपको दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।